और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पीछे की क्लास में आपको बताते आए हैं विभिन्न प्रकार के एनर्जी कंपोनेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में क्लास सिक्स के लिए सबसे फर्स्ट चैप्टर है फूड। डियर स्टूडेंट, टुडे इज योर टॉपिक फॉर क्लास सिक्स फर्स्ट चैप्टर फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, आज हम भोजन और उसके घटक के बारे में पढ़ेंगे। Food is important part of our body which gives us energy for work. भोजन हमारे शरीर के पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण वह भाग है जो कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स भोजन और उसके स्रोत के बारे में। स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन के दो स्रोत होते हैं, फर्स्ट एनिमल एंड सेकेंड प्लांट, पहला जानवर और दूसरे पौधे। स्टूडेंट्स, देयर लिस्ट वी शोन अबाउट द सोर्सेस ऑफ फूड एंड प्लांट एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन्स। विटामिन्स आर मेन इम्पॉर्टेंट पार्टिकल ऑफ आवर फूड विच गिव अस ग्रोथ पावर ऑफ आवर बॉडी। स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक में हम भोजन के महत्वपूर्ण भाग विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। विटामिन्स हमारे भोजन के ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो कि हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन। प्रोटीन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ आवर फूड कंपोनेंट्स विच gives the our body growing power and development power। Students, आज के इस टॉपिक में हम मंड या प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स हमारे शरीर को वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं और हमारे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ऑफ प्रोटीन। इन दिस टॉपिक वी रीड अबाउट द प्रोटीन टेस्ट। वी पुट द टू और थ्री ड्रॉप्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेट आयोडीन विद प्रोटीन। इफ कलर चेंज इन ब्लैक कलर, इट इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, अगर हम सांद्र आयोडीन की दो तीन बूंदों को प्रोटीन्स के साथ में डालते हैं तो इसका रंग चेंज होता है नीले या काले कलर में। नीला या काला कलर ये बताता है कि इस बिलियन में आपका प्रोटीन उपस्थित है। अब हम आगे बताएंगे
ये प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, जो कि आपके लिस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई पड़ रहे हैं। इसको सावधानी पूर्वक पढ़ें और इसको लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट भी करें। डियर स्टूडेंट, एज शोन द लिस्ट सोर्सेस ऑफ द प्रोटीन्स, सो काइंडली सी केयरफुली एंड नोट डाउन इट लिस्ट। फूड, देयर आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। स्टूडेंट्स, इस सेकेंड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में, पोषक तत्वों के प्रकार, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, ये हमारे भोजन के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट। स्टूडेंट्स, दीज लिस्ट शोन इन फ्रंट ऑफ यू, सो काइंडली नोट इन योर नोटबुक विद केयरफुली। स्टूडेंट, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड की लिस्ट आपके सामने इंडिकेट हो रही है, इसको आप सावधानी पूर्वक अपने कॉपी में नोट करें। टेस्ट अबाउट द प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, वेन वी पुट द टू और थ्री ड्रॉप्स इन डायलूट आयोडीन विद एनी फूड कंपोनेंट्स, इफ कलर फाइंड आउट ब्लैक और डार्क ब्लू, इट इज द इंडिकेशन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड। स्टूडेंट्स, यूज ऑफ द टेस्टर और इंडिकेटर विद आयोडीन एंड फूड कंपोनेंट्स मिक्स द कॉपर सल्फेट 10 ड्रॉप्स विद द दीज मिक्सर्स, देन फाइंड आउट द ब्लू और ब्लैक कलर, इट इज कॉल्ड द इंडिकेटर। स्टूडेंट्स, जब हम भोजन के पार्ट के साथ में मंड का परीक्षण करने के लिए उसमें 2-3 ड्रॉप सांद आयोडीन डालते हैं, तो उसके साथ में प्रदर्शक के रूप में उसको कॉपर सल्फेट की 8-10 बूंदें मिक्स करते हैं। इसके रिजल्ट में ये होता है कि ये कलर आपको ब्लू और डार्क ब्लैक में इंडिकेट करेगा और यही आपके भोजन में मंड या प्रोटीन उपस्थित होने का संकेत होगा। स्टूडेंट्स, नाउ द लिस्ट शोन इन फ्रंट ऑफ यू about the proteins, kindly note it with careful. Now list open about the vitamins and which are the disease indicate in our body to lesser conditions of vitamins. There are list of type of vitamins and with their disease in less conditions. Students, अब आपके सामने ये जो लिस्ट दिखाई पड़ रही है, इसमें विटामिन्स के बारे में बताया गया, कौन से विटामिन्स की कमी से क्या रोग होता है, कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है, सारा डिस्क्रिप्शन है। इसको सावधानी पूर्वक अपने नोटबुक में नोट करें। डियर स्टूडेंट, नोट विद केयरफुली इन योर नोटबुक दी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज यार्न टू फैब्रिक।
स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक है आपका तागे से वस्त्र कैसे बनाते हैं। देयर आर मेनी वेब्स बाय विच फाइबर्स आर द मेड फ्रॉम यार्न्स। टू मेन प्रोसेस आर द वेविंग एंड निटिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो तरीके हैं जिससे हम धागे से वस्त्र बना सकते हैं। वस्त्र बनाने के लिए स्टूडेंट दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला होता है बुनाई और दूसरा कताई। ग्राफ, हाउ टू मेक यार्न टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, काइंडली नोट इट फॉर अंडरस्टैंडिंग इन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फिगर ऑफ योर हाउ टू चेंज द फाइबर टू फैब्रिक एंड मेड द क्लॉथेस। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फील्ड ऑफ कॉटन बॉल्स। विद्यार्थियों, ये खेत है जो कि रुई की खेती के बारे में दिखा रहा है। स्टूडेंट्स, नेम ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ प्लांट। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्लांट, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। स्टूडेंट, अगला टॉपिक है आपका पेड़ों के प्रकार। यहाँ तीन प्रकार के पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। पहला है शाकीय पौधे, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष। स्टूडेंट्स, हर्ब्स आर दीज प्लांट विच कैन वेरी टेंडर एंड वेरी सॉफ्ट स्ट्रीम्स। जिन पेड़ पौधों के बहुत ही मुलायम तने होते हैं उन्हें शाकीय पौधे कहते हैं। विच प्लांट हैज़ वेरी वीक स्टेम, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सपोर्ट। These are climber plants is called shrubs. Students, shrubs या विसर्पी लता ऐसे पौधे होते हैं जो कि बिना किसी सहारे के आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें हम लोग विसर्पी लता कहते हैं या shrubs plant कहते हैं।
Now third is tree. Tree are very vast and large size and very thick size. अगला टॉपिक है पेड़। पेड़ बहुत बड़े आकार में होते हैं, इनके तने मोटे होते हैं।